अरे नहीं, मनवारे जो जहाँ से जीते हैं पूरे देश में सफाया हो जाएगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे, दुनिया के लोग वहां देखने आएंगे। इन्होंने तो व्यापार किया है, इन्होंने ठगा है, और एक शेड्यूल कास्ट के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी चाय पीने गए थे। भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी, 100 दिन में महंगाई, और किसानों का कर्जा, और कहे बहुत बढ़िया हो जाएगा। हरिजन बिरादरी के यहाँ चाय पीने गए थे और कहा था ये बहुत अच्छा हो जाए, विकास कर जाएगा। आज मान्यवर देखवा लें, वो परिवार वैसे का वैसा है राष्ट्रपति जी के लिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि अनुसूचित जात के लिए एक मजाक है। ये राष्ट्रपति हमारे देश की गौरव है, लेकिन क्या है, ये शेड्यूल कास्ट हमारी कौम में पैदा हुई, ये देश में चलने वाली है। माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मनवर, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और अस्फाकुल्ला की शहीदी धरती से आया हूँ। मनवर, मैंने वित्त मंत्री द्वारा रखे हुए 70 पृष्ठों के बजट को देखा और कई बार देखा, दूरबीन लगा कर देखा, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। मान्यवर, वो अयोध्या है प्रभु श्री राम की मर्यादा का अयोध्या है, जिसने केवल अयोध्या में ही नहीं प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में, और मान्यवर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है। लेकिन आज बहुत ही दुखित मन से मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ इस सदन में कि अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है। मान्यवर, इसलिए कि मैं दलित जात का हूँ और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था, और 22 जनवरी से लेकर जब तक मान्यवर चुनाव हुआ था, देश के कोने कोने से लोग आए अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवार को हराने के लिए। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा मान्यवर मेरे ऊपर, इसलिए उनको नकार दिया है। मान्यवर, इसलिए नकारा है कि वहां के लोगों को, जो प्रभु श्री राम के प्रजा थी, श्री राम को बहुत प्यारी थी, उनको सताया गया है, उनके घरों को ढहाया गया है। मान्यवर, चाहे वो राम पथ का मामला हो, चाहे एरोड्रम का मामला हो, चाहे अन्य निर्माण का मामला हो, लोगों के दो दो पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर लगा करके ढहाया गया है। बच्चे चिल्चिलाते थे, महिलाएं रोती थी, बुजुर्ग रोते थे, और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर चलने से, घर ढहाने से 3-3 लोगों के नगर के मौतें हुई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा गया है। मान्यवर, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या को मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तब बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गईं, जमीनों में घोटाला किया गया। एक जमीन ऐसी है मान्यवर कि 2 करोड़ की थी, और 2 घंटे के बाद उसको 18 करोड़ में बेचा गया है। ये खरीदने वाले कोई दूसरे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसानों को बर्बाद किया है, तबाह किया गया है, और इसीलिए जनता आज नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। और अगर किसी ने काम किया है तो मान्यवर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, सीवर लाइन बनाया है, और बिजली के तार को अंडरलाइन किया है। इन्होंने तो केवल छलने का काम किया है अयोध्या की जनता की। मान्यवर, गुप्ताल घाट है,
जहाँ पर निषाद लोग रहते हैं और भगवान राम को तारे हैं, निषादों की बस्ती को धराशायी कर दिया है और वहाँ पर दुकानें बनाई है। दुकानें किसको दिया है? बड़े बड़े करोड़पतियों को दुकानें दिया है और निषाद राज को बिगाड़ा गया, उजाड़ा गया है। आज वहाँ की जनता बहुत परेशान है। मानो हम कहना चाहते हैं इस आदरणीय सदन में कितनी नाराज है, 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और जब 29 में फिर चुनाव आएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और हमारे नेता ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे, ऐसा शहर बनाएंगे, दुनिया को लोग उसको देखने आएंगे। एक उदाहरण रहेगा, इन्होंने तो चौपट किया है। मान्यवर, हम एक बात कहना चाहते हैं कि आदरणीय सदन ये कमेटी बना दी जाए और कमेटी इस बात की जांच करे कि कितना घोटाला हुआ है, जमीन किसने खरीदी है और निर्माण चाहे राम पथ में हुआ हो, चाहे मान्यवर हवाई अड्डे में हुआ हो, चाहे रेल में हुआ हो, और जमीनों में उसकी जांच करा ले और जांच की रिपोर्ट माननीय सदन में, सदन के सामने रखी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। और किस तरह से अयोध्या को ठगा गया है, उसको नकारा गया है, देश के सामने आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर, बजट पर, और बजट में हम तो उम्मीद करते थे मानवर कि 2 करोड़, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी, 100 दिन में महंगाई और किसानों का कर्जा कर, किसानों का आमदनी दूनी, कहीं 70 पेज में। और माननीय आज कहना है कि ये एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने साफ लिखा है, प्रसिद्ध शायर हैं जावेद अख्तर का एक शेर है मानवर, जीना मुश्किल है कि आकर जरा देख तो लो, लगते हैं लोग परेशान, जरा देख तो लो, ये नया शहर है तो खूब 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 बसाया है तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। तो ये मानवर, ये सरकार थैंक यू पूरी ए, 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 दो, 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 अरे अयोध्या का मामला है, प्लीज मानवर ये नकार दें, आपसे तो हम उम्मीद करते हैं। मानवर, ये सरकार दलित विरोधी है पूरी तरह से। एक बहुत बड़े विद्वान थे, बीसी थे बरघा यूनिवर्सिटी के, जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अच्छी किताब लिखा है, रिसर्च किया है, उनको सस्पेंड करके उनको नौकरी से निकाला गया है, जबकि वो देश में सबसे बड़े काबिल केवल अगर है तो शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए थे। ये इनके ऊपर मानवर ज्यादा नहीं, ये वित्त मंत्री जी का ये है और ये हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का है ये, और ये भी ये कवर होना चाहिए था राष्ट्रपति जी के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए एक मजाक है। ये राष्ट्रपति हमारे देश की गौरव है, लेकिन क्या है, ये शेड्यूल कास्ट हमारी कौम में पैदा हुई, ये अब देश में चलने वाला नहीं है। अयोध्या से जीते हैं, पूरे देश में सफाया हो जाएगा। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे, दुनिया के लोग वहां देखने आएंगे। इन्होंने तो व्यापार किया है, इन्होंने ठगा है, और एक शेड्यूल कास्ट के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी चाय पीने गए थे और कहे बहुत बढ़िया हो जाएगा, हरजन बिरादरी के यहाँ चाय पीने गए थे और कहा था ये बहुत अच्छा हो जाए, विकास कर जाएगा। आज मान्यवर दिखवा ले, वो परिवार वैसे का वैसा है। ये अयोध्या को ठगा है, व्यापार किया है, ये जो तो, और इसकी जांच कराई जाए। मान्यवर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।